हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 10, दैट इज प्रोनाउंस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल द फर्स्ट व्हाट वी रेड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज फर्स्ट पार्ट। वी रेड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, आफ्टरवर्ड्स वी रेड अबाउट 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। So students, today we will move further with the 9th and the most important type of pronoun, that is relative pronoun. So students, today we are discussing from page number 80. So let's begin. So students, हमने पहले pronoun की definition देखी। हमने देखा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। मींस कि एक ही सेंटेंस में अगेन एंड अगेन हम नाउन का यूज नहीं कर सकते, तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन्स का यूज करते हैं, लाइक ही शी इट दे, दीज आर द प्रोनाउन वर्ड्स। ओके, और हमने कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझा कि प्रोनाउन्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमने प्रोनाउन के 8 टाइप्स डिस्कस किए डिटेल में। So now we are going to discuss about the 9th and the most important type of the pronoun, that is relative pronoun. So relative pronouns kya hote hai? Relative pronouns are those pronouns that join or connect to statements and refer or relate to some noun going before them. So students, relative pronoun aise pronouns hote hai jo do statement ko join karte, connect karte, aur इनसे पहले जो नाउन यूज की जाती है उससे ये रिलेट करते हैं। मींस पूरा जो सेंटेंस होता है उसी नाउन से रिलेट करता है। एग्जामिन दिस पेयर ऑफ सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, इट मींस कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड बिफोर इट। इट मींस कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में एक ऐसा वर्ड हुआ जो अपने से पहले आए नाउन या फिर प्रोनाउन को रिलेट करता है। इट मींस कि रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले वर्ड यूज किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो पूरे सेंटेंस को रिलेट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज द गर्ल, शी गेव मी हर पेन। ओके, तो मैंने सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन किया। शी इज द गर्ल हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जो है यहाँ पर वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और हु से पहले जो वर्ड आ रहा है, मींस जो नाउन आ रही है गर्ल, वो क्या होता है? इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो वर्ब होती है वो यूज की जाती है। इसी एंटीसीडेंट के ऊपर ही जो हमारा सेंटेंस जो है, एंटीसीडेंट के ऊपर ही हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो मैटर करता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। तो गर्ल जो है वो पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर हम हु का यूज कर रहे हैं। इट मींस कि जो नाउन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो स्टूडेंट, सेकंड सेंटेंस इज दिस इज द हाउस, इट बिलोंग्स टू माय अंकल। सो इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट व्हिच इज यूज्ड, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू हाउस वी आर यूजिंग द व्हिच, क्योंकि जो व्हिच है वो है एक रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आती है, जो नाउन आती है मतलब जो वर्ड आता है उससे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। इट मींस कि इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। मींस जो भी नाउन होगी, मींस जो भी एंटीसीडेंट होगा, उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हाउस के अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर रहे हैं? विच का। और क्योंकि एक सिलेक्टिव सेंस में, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द विच। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल, ये वो घर है जो मेरे अंकल का है। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज ही इज द जेंटलमैन, हिज सन इज माय फ्रेंड। सो जेंटलमैन, ही इज द जेंटलमैन हुज सन इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पोजीशन की बात आ रही है, जिसका बेटा, ही इज द जेंटलमैन, ये वो जेंटलमैन है जिसका बेटा मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पोजीशन की बात आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुज का यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज This is the scooter, Ali bought it. So scooter के बाद क्या आ रहा है? That आ रहा है। It means कि that क्या एक relative pronoun है। So students, fourth sentence में हम लोग that का use कर रहे हैं। So that जो है
वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पर कोई भी सिलेक्टिव सेंस की बात नहीं आ रही है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में दैट का यूज किया है। दिस इज द स्कूटर, अली बॉट इट। तो दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले स्कूटर जो वर्ड है वो हमारा एंटीसिडेंट है। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज ही इज द बॉय हु ऑल प्रेज हिम। ही इज द बॉय हुम ऑल प्रेज। सो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट की कमी होती है हम वहां पर हु का यूज करते हैं, और जहां पर ऑब्जेक्ट की कमी होती है वहां पर हम लोग हुम का यूज करते हैं। ओके, नाउ यू विल नोट दैट इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स हु विच हुज दैट हुम कनेक्ट द टू सेंटेंसेस एंड हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर द नाउन गर्ल हाउस जेंटलमैन स्कूटर बॉय विच आर यूज बिफोर देम। तो इन सेंटेंसेस में हम ये नोट करेंगे कि हु विच हुज दैट हुम ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और इनका यूज इन नाउन के लिए किया जा रहा है। गर्ल हो गया जैसे हाउस हो गया, जेंटलमैन हो गया, स्कूटर हो गया, बॉय हो गया, इनके लिए किया गया है जो इससे पहले यूज की गई, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो यूज की गई। ये नाउन्स जो है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज की गई है। द प्रोनाउन्स दैट कनेक्ट टू सेंटेंस एंड रेफर बैक टू द नाउन्स दैट प्रिसीड देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो ऐसे प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और उनके पहले नाउन यूज की जाती है जिससे पर पूरा सेंटेंस जो डिपेंड करते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स और रिलेट्स इज कॉल्ड इट्स एंटीसिडेंट। तो ऐसी नाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है और जो उससे रिलेट्स करती है या रेफर करती है उसे हम एंटीसिडेंट बोलते हैं। इट मींस कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आता है मींस जो नाउन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसिडेंट बोलते हैं। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द एंटीसिडेंट ऑफ हु इज गर्ल, इन द सेकेंड सेंटेंस द एंटीसिडेंट ऑफ विच इज हाउस, इन थर्ड सेंटेंस द एंटीसिडेंट ऑफ हुज इज जेंटलमैन, इन फोर्थ सेंटेंस एंटीसिडेंट ऑफ दैट इज स्कूटर, एंड इन द फिफ्थ सेंटेंस एंटीसिडेंट ऑफ हुम इज बॉय। तो सारे सेंटेंसेस में हमने देखा पहले वाले सेंटेंस में गर्ल आपका एंटीसिडेंट है हु के लिए, सेकंड सेंटेंस में हाउस हमारा एंटीसिडेंट है विच के लिए, थर्ड सेंटेंस में जेंटलमैन हमारा एंटीसिडेंट है हुज के लिए, फोर्थ सेंटेंस में स्कूटर हमारा एंटीसिडेंट है, और फिफ्थ सेंटेंस में हमारा बॉय एंटीसिडेंट है। तो इस तरीके से एंटीसिडेंट्स का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस। द फर्स्ट इज हु। तो हु का यूज किसके लिए किया जाता है, इट इज यूज एज सब्जेक्ट फॉर पर्सन। इसका यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाता है पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स द मैन हु चीटेड यूज माई ब्रदर। तो हु जो है मैन के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, और एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, मीन्स की सब्जेक्ट की प्लेस में भी यूज किया जा रहा है। नाउ द सेकेंड सेंटेंस द गर्ल हु टॉक टू यू एट द देयर एट द थिएटर इज माई सिस्टर। तो यहाँ पर भी जो हु है वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है और पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, नाउ द सेकंड इज होम। इट इज यूज फॉर पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट। इसका यूज पर्सन के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। द गर्ल होम यू वॉन्टेड टू मैरी इज अ टीचर इन अ कॉन्वेंट स्कूल। तो यहाँ पर जो है हम होम का यूज एक ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं। ओके, लेकिन पर्सन के लिए ही कर रहे हैं, द गर्ल पर्सन के लिए ही कर रहे हैं। द वुमन होम यू मेट इन द चर्च इज माई मदर। तो यहाँ पर भी हम होम का यूज ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं लेकिन पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर होम का यूज कर रहे हैं। नाउ द थर्ड इज हुज। इट इज यूज फॉर पर्सन इन द पजेसिव केस। इसका यूज भी पर्सन के लिए किया जाता है पजेसिव केस में। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल हुज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट वॉन्टेड टू मैरी मी। ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस द मैन हुज सिंप्लिसिटी एंड डिसिप्लिन इन्फ्लुएंस मी मच इज अ ग्रेटर ग्रेट सोशल वर्कर। तो यहाँ पर जो है हुज का यूज पर्सन के लिए हो रहा है, मैन के लिए हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बात एक पजेसिव सेंस में हो रहा है, मतलब अधिकार बताने के लिए हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग हुज का यूज करते हैं। नाउ द फोर्थ इज विच। इट इज यूज फॉर थिंग्स बोथ एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका यूज थिंग्स के लिए होता है, मतलब वस्तुओं के लिए होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल द पोएम्स विच आई रोट वर प्रेस बाय ऑल। ओके, नाउ द सेकेंड इज The speech which I heard at the meeting influenced me much. तो इस तरीके से which का use subject और object दोनों की तरह किया जाता है, okay? Now the fifth rule is what. What is used only for things. What का use things के लिए किया जाता है. For example, what he told us is not true. What I liked in Mahatma Gandhi his simplicity. What cannot be cured must be endured. So what का use हम लोग things के लिए करते हैं. Now the sixth is that.
इट इज यूज फॉर पर्सन एंड थिंग्स, इसका यूज पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल दैट आई टॉक्ड अबाउट, तो पर्सन के लिए किया जा रहा है यहाँ पर. ओके, सेकेंड सेंटेंस इज द बुक दैट यू गेव मी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग, तो फर्स्ट सेंटेंस में दैट का यूज पर्सन के लिए कर रहे हैं और सेकेंड सेंटेंस में दैट का यूज बुक के लिए कर रहे हैं. नाउ द सेवेंथ इज एज, इट इज यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन विद सच ऑफ द सेम, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है, सच और द सेम. मोनिका इज सच अ गर्ल एज आई लाइक, शी गेव मी सच अ रिप्लाई एज आई एक्सपेक्टेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बट, इट कैन नॉट बी यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंस ऑफ हु नॉट एंड विच नॉट, इसका यूज एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जा सकता है, किसके सेंस में, हु नॉट और विच नॉट के सेंस में. फॉर एग्जाम्पल्स यू कैन सी, देर इज नो गर्ल बट लव्स ज्वेल्स, देर इज नो इंडियंस बट फील प्राउड ऑफ द कंट्री, इन सेंसेस में इसका यूज किया जाता है. नाउ द 10th रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउंस, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउंस. So a pronoun which is compounded with the word ever is known as the relative compound pronoun. So ऐसे pronoun जो ever word के साथ compounded किए जाते हैं, means in words के साथ add किए जाते हैं, उसे हम relative compound pronoun कहते हैं. जैसे हम लोगों ने who पढ़ा है, when पढ़ा है, which पढ़ा है, where पढ़ा है, what पढ़ा है, how पढ़ा है, इन सब में क्या add कर दिया है, ever, तो जिससे क्या बन गया, compound हो गया. Whoever, whenever, whichever, wherever, whatever, however. So, इस तरीके से ये pronouns जो है compounded pronouns होते हैं. For first example is whoever. So, whoever means क्या होता है? It means no matter who the person is. Okay? So, whoever means होता है कि कोई matter नहीं करता कि जो कोई भी हो, person कोई भी हो सकता है. Means इसका हिंदी meaning होता है जो कोई भी. For example, whoever comes, tell them to wait at the gate. जो कोई भी आए उसे गेट पर वेट करने के लिए कहो. Second example, whoever speaks the best wins the first prize. जो कोई भी अच्छा बोलेगा उसे first prize मिलेगा. तो इस तरीके से whoever का means होता है जो कोई भी. Now the second is whichever. It means no matter which it is. So whichever जो होता है इसका meaning होता है हिंदी में जो कुछ भी. ये थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गिव यू विच एवर यू लाइक एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू ईट विच एवर यू गिव मी. सो विच एवर मीन्स क्या होता है, जो कुछ भी. ओके, नाउ द थर्ड इज वॉट एवर. वॉट एवर तो आप लोग बहुत यूज करते हो, इट मीन्स नो मैटर वॉट इट इज. ओके, वॉट एवर मीन्स भी होता है जो कुछ भी कहना चाहते हैं, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है. ओके, जो कुछ भी, इस तरह से बोलते हैं ना, वॉट एवर मैटर, जो कुछ भी मैटर हो, आई डोंट केयर, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू हेयर वॉट एवर एक्सप्लेनेशन यू गिव मी, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता तुम जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन देते हो. आई वॉन्ट माई मनी बैक वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो मैं अपनी मनी वापस चाहता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे अपनी मनी वापस चाहिए. ओके, तो इस तरीके से हम लोग वॉट एवर का यूज करते हैं. नेक्स्ट है whenever. Whenever it means no matter when it is. It means कि इसका हिंदी में मतलब होता है whenever का, जब कभी भी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, whenever I go to Delhi, I never forget to meet my friend. Okay? And the second example, whenever I see Madhu, I feel very happy. तो इस तरीके से हम लोग whenever का यूज करते हैं और जब कभी भी के सेंस में करते हैं. Now the fifth is wherever. It means no matter where it is. Wherever का students मतलब होता है जहां कहीं भी. इसका हिंदी मीनिंग होता है जहां कहीं भी. आई शैल नेवर फॉरगेट यू वेन एवर आई गो. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, ही इंस्पायर्स एवरीबडी वेर एवर ही वर्क्स. वो जहां कहीं भी काम करता है वो सबको इंस्पायर करता है. ओके, नाउ द सिक्स्थ इज हाउएवर. इट मींस नो मैटर हाउ अ थिंग इज डन. इसमें ये मैटर नहीं करता कि किस तरीके से थिंग्स को किया गया है. मींस हालांकि, फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर बेस्ट शी डिड She could not succeed. हालांकि उसने इतना अच्छा किया, best किया, फिर भी वो succeed नहीं हो पाई. तो इस तरीके से relative compound pronouns का use किया जाता है. Now we will discuss the use relative pronouns to join the following sentences. The first sentence is Akash will like this tea. It has been made from Assam leaves. तो दो sentences दिए हुए हैं यहाँ पे, हमको उनको join करना है relative pronoun की help से. So answer हो जाएगा Akash will take this tea. Akash will like this tea.
विच हैज बीन, हम लोग बीच में क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, विच हैज बीन मेड फ्रॉम द असम लीव्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, आकाश विल लाइक दिस टी बिकॉज इट हैज बीन मेड फ्रॉम द असम लीव्स। ओके सो आकाश विल लाइक दिस टी विच हैज बीन मेड फ्रॉम असम लीव्स। तो हम लोग यहाँ पर मेनली विच का यूज कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। ओके सो फर्स्ट में एड करेंगे हम विच को। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज द पर्सन इज अ डॉक्टर, ही इज वियरिंग अ व्हाइट कोट। देखो यहाँ पर पर्सन डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या है, एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस पर्सन इज अ डॉक्टर हु इज वियरिंग अ व्हाइट कोट। दिस पर्सन इज अ डॉक्टर हु इज वियरिंग अ व्हाइट कोट। नाउ द थर्ड इज दिस इज द बुक यू गेव इट टू मी। सो इसका आंसर हो जाएगा बुक है, तो बुक का यूज सिलेक्टिव सेंस में कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे विच का। दिस इज द बुक विच यू गेव मी, दिस इज द बुक विच यू गेव मी। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज दिस इज द मैन ही कैन बी ट्रस्टेड। सो मैन एक पर्सन है, इसलिए हु का यूज करेंगे, दिस इज द मैन हु कैन बी ट्रस्टेड, दिस इज द मैन हु कैन बी ट्रस्टेड। नाउ द फिफ्थ एग्जाम्पल इज ही इज माई फ्रेंड ही इज अ गुड आर्कर, ही इज माई फ्रेंड हु इज अ गुड आर्चर, ही इज माई फ्रेंड हु इज अ गुड आर्चर। ओके स्टूडेंट्स, Now the sixth sentence is the principal wants to see the boy. He wrote a good poem. So यहाँ पर भी boy की बात हो रही है, एक boy है, means person, इसलिए हम who का use करेंगे। The principal wants to see the boy who wrote a good poem. So he को cut करके हम क्या लिखेंगे, who. The principal wants to see the boy who wrote a good poem. Now the seventh is she asked me to watch the film. It won 5 Oscars. So यहाँ पर हम film के लिए that का use करेंगे। She asked me to watch the film that won 5 Oscars. So it को हटाकर हम लोग that का use करेंगे। She asked me to watch the film that won 5 Oscars. She asked me to watch the film that won 5 Oscars. Now the eighth is I have received the email you sent me yesterday. So यहाँ पर भी हम लोग you को cut करके that का use करेंगे। I have received the email that sent me yesterday. Okay? Now the next topic is difference between possessive adjective and possessive pronouns. So possessive adjective और possessive pronoun के बीच का difference read करेंगे. So let's begin. A pronoun used to express possession or ownership is known as possessive pronoun. So ऐसे pronoun जो जिनका use possession और ownership को express करने के लिए किया जाता है, उसे हम possessive pronoun कहते हैं. For example, mine, his, theirs, ours, yours, hers, its. These are the possessive pronouns. Note, my, our, your, his, her, its, there are used nouns before. They are possessive adjective. Means कि ये लोग हैं, ये सारे words जो हैं हमने अभी read किए, ये सारे noun के पहले use किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम possessive adjectives कहते हैं. Mine, ours, his, yours, its, hers, theirs are used after nouns because they are possessive pronoun. और ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नाउन के बाद यूज किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंस को देख सकते हैं। दिस इज माय बुक, तो बुक से पहले माय का यूज हो रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये, और यहाँ पर बुक के बाद हो रहा है, इट मीन्स कि क्या हो गया, माइन, इसलिए इसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके और मैं इसे एक और नाम देता हूँ, पजेसिव सब्जेक्टिव है ये, और ये पजेसिव ऑब्जेक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर गार्डन, This garden is ours. So rewrite these sentences using possessive pronoun. Possessive pronouns का use करके sentence को rewrite करना है. That is my geometry box. तो possessive adjective में sentence दिया है, तो इसे हम possessive pronoun में change करेंगे. That geometry box is mine. That geometry box is mine. Now the second sentence. They own these fields. These fields are theirs. So answer हो जाएगा these fields are theirs. Now the third is these toys belongs to us. These toys are ours. These toys are ours. Okay. Now the fourth sentence is these shoes belongs to her. So answer हो जाएगा these shoes are hers. Meaning same निकलना चाहिए, लेकिन difference आएगा तो possessive adjective और pronoun के बीच में आएगा. Now the fifth is That frog
दैट फ्रॉग बिलोंग्स टू अस, बिलोंग्स टू यू, आंसर हो जाएगा दैट फ्रॉग्स इज योर्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द वर्किंग जोन। राइट सुटेबल प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई स्लिप्ड एंड हर्ट माई सेल्फ, तो आई का क्या होता है रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ। नाउ द सेकेंड इज वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, हम पूछते हैं इसी तरीके से, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। नाउ द थर्ड इज द प्लेयर, प्लेयर के लिए हु आएगा, क्योंकि पर्सन है, कम्स फर्स्ट विल गेट अ अवार्ड, जो प्लेयर फर्स्ट आएगा उसे अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ है द ट्रेन केम टू हॉल्ड बाय इटसेल्फ, ट्रेन के लिए इटसेल्फ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ इज दीज दोज आर वूलन ग्लोव्स, तो फिफ्थ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा दोज। नाउ द सिक्स्थ इज दैट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर, सिक्स में आ जाएगा दैट। नाउ द सेवेंथ इज दैट इज मैंगो ट्री, दिस इज एन एप्पल ट्री, तो सेवेंथ के फर्स्ट में दैट, सेकेंड में दिस। एट्थ का आंसर हो जाएगा दिस इज नॉट माई बुक, माइन इज हार्ड बाउंड, तो एट्थ वाले में आ जाएगा माइन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्लूज आर गिवन बिलो, सम ऑफ देम दीस मे हैव बी यूज्ड ट्वाइस, मीन्स कि यहाँ पर कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स के साथ फिलअप करना है हमें, और कुछ क्लूज दिए हुए हैं हमें नीचे, और एक क्लू जो है वो दो बार भी आ सकता है। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट डू वी हैव फॉर डिनर, तो फर्स्ट सेंटेंस का आंसर हो जाएगा व्हाट, व्हाट डू वी हैव फॉर डिनर। नाउ द सेकंड सेंटेंस, यहाँ पर तो पोजीशन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हूज, हूज आर द ग्लव्स इन योर हैंड्स, हूज आर द ग्लव्स इन योर हैंड। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज, यहाँ पर थर्ड में व्हाट भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, तो आप दोनों ही यूज कीजिए, अगर आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं दोनों सही जाएगा आपका। विच इज द लेटेस्ट मूवी, कौन सी लेटेस्ट मूवी है, विच इज द लेटेस्ट मूवी, व्हाट इज द लेटेस्ट मूवी। नाउ द फोर्थ इज विच ऑफ दीज ड्रेस यू लाइक, विच ऑफ दीज ड्रेस डू यू लाइक, यहाँ पर सिलेक्टिव सेंस की बात आ रही है इसलिए विच का यूज कर रहे हैं। नाउ द फिफ्थ इज पोजिशन की बात आ रही है, हूज इज दिस लवली वॉच, फिफ्थ में आ जाएगा हूज। Now the sixth is who prepared these beautiful charts, यहाँ पर person की बात आ रही है इसलिए हम, और subject की कमी इसलिए हम यहाँ पर who का use करेंगे, तो sixth का answer है who। Now the C question is that, यहाँ पर हमें reflexive pronoun का use करके sentence को fill करना है, तो we का क्या होता है, ourselves, we enjoyed ourselves in the park, okay, second, the train came to halt by itself, तो second में आ जाएगा itself, third, प्रियंका सॉ हरसेल्फ, प्रियंका गर्ल है इसलिए गर्ल के लिए हरसेल्फ इन द मिरर, प्रियंका सॉ हरसेल्फ इन द मिरर। फोर्थ है राजेश अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राजेश बॉय है, बॉय के लिए हिमसेल्फ आता है। रवि ड्राई योर सेल्फ विद अ टॉयल, तो यहाँ पर हम रवि को ऑर्डर दे रहे हैं इस तरीके से, तो रवि योर सेल्फ, ओके रवि ड्राई योर सेल्फ विद अ टॉवल। नाउ द सिक्स्थ इज दे वर एंग्री विद देमसेल्फ्स, दे का देमसेल्फ्स होता है फॉर दैट सिली मिस्टेक, तो सिक्स्थ का आंसर है themselves। सेवेंथ है चिल्ड्रन डोंट फील शाय, हेल्प योरसेल्फ टू केक एंड बिस्किट्स, तो सेवेंथ वाले में आएगा आपका योरसेल्फ। एट्थ में आएगा आई स्लिप्ड एंड हर्ट मायसेल्फ, आई का मायसेल्फ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द डी क्वेश्चन इज दैट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डन इन द फर्स्ट सेंटेंसेस, जिस तरीके से फर्स्ट में किया उसी तरीके से हमें बाकी सेंटेंस को भी करना है। नाउ द फर्स्ट इज दिस कार बिलोंग्स टू अस, so this car is ours, these crayons belongs to us, these crayons are ours, these crayons are ours, third these parrot belongs to her, so answer ho jayega this parrot is hers, this parrot is hers, fourth sentence hai aapka those orchards belong to them, so aapka answer ho jayega those orchards are theirs, okay। Now the fifth sentence is this parrot does not belong to you, यहाँ पर negative sense है, so this parrot is not yours, this parrot is not yours। Now the sixth sentence is these books do not belong to him, so answer होगा these books are not his, these books are not his, okay students। Now e question is that check the pronouns in the following sentences and write them in the proper column। फर्स्ट सेंटेंस है दे मेड themselves अ डिलीशियस डिश,
तो इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो है दे देमसेल्स। सो दे हमारा है पर्सनल प्रोनाउन और देमसेल्स है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस, यू योर सेल्फ गेव मी द न्यूज। यू योर सेल्फ और मी, तीन प्रोनाउंस है, तो यू और मी तो पर्सनल प्रोनाउन है और जो योर सेल्फ है वो इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। ओके, नाउ द थर्ड सेंटेंस, आई माई सेल्फ रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आई भी प्रोनाउन है, माई सेल्फ भी प्रोनाउन है, तो आई तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ हमारा इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। नाउ द फोर्थ सेंटेंस, आर्स इज द लास्ट हाउस ऑफ द स्ट्रीट। सो स्टूडेंट्स, वैसे तो आर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है, आर्स योर्स ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन इस चार्ट में पजेसिव प्रोनाउन का कॉलम नहीं है, इसीलिए हम रूल नंबर जो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन वाला, उसमें भी हमारा आर्स के लिए चार्ट बनाया गया था, तो इसीलिए मैं आर्स को आपके पर्सनल प्रोनाउन में रख रहा हूँ, लेकिन होता ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है बिकॉज इसमें चार्ट में भी कॉलम नहीं दिया। और दूसरी बात, आर्स को इन लोगों ने जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का रूल, उसमें भी इंडिकेट किया है, इसलिए। नाउ द फिफ्थ इज, हैव यू डन द एंटायर वर्क योर सेल्फ, डिड योर मदर हेल्प यू। यहाँ पर भी यू आपका है और इसके बाद योर सेल्फ है, योर है, यू है, तो स्टूडेंट यू को हमने यहाँ पे रख लिया पर्सनल प्रोनाउन में। अब हम जानते हैं योर, योर हमारा यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन का कॉलम इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो अलग से बना के उसमें योर को आर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने इसको फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन में इनके नेम्स दिए गए हैं चार्ट में, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर रख दिया, यू योर को। और योरसेल्फ तो हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, तो इस तरीके से मैंने यूज करना है। नाउ द सिक्स्थ इज, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द मैच। सो व्हाट, यहाँ पर एक व्हाट जो है प्रोनाउन है, अब ये व्हाट कौन सा प्रोनाउन है, ये है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, सिक्स वाले में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नाउ सेवेंथ में आपका, शी रोट दिस पोएम हर सेल्फ। तो शी, दिस और हर सेल्फ तीन प्रोनाउन है, तो शी को मैंने फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में रखा, दिस को मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव में रखा है और हर सेल्फ को मैंने रिफ्लेक्सिव में रखा है। ओके, नाउ एट, हु इज लीड टू द ग्रुप। तो यहाँ पर हु प्रोनाउन है, तो हु को हम रखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट इज द डॉग हर्ट इटसेल्फ, तो यहाँ पर इटसेल्फ प्रोनाउन है, तो इटसेल्फ को मैंने रखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। नाउ टेंथ में है, दीज आर ओनली र्यूमर्स, डोंट बिलीव देम। सो दीज और देम ये दोनों प्रोनाउन है, तो देम आपका पर्सनल प्रोनाउन है और दीज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इस तरीके से प्रोनाउंस को हमने यूज किया है। नाउ द नेक्स्ट एफ क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ और सेल्फ का यूज करके फिल करना है सेंटेंस को। सो वी इंजॉयड आर सेल्स ड्यूरिंग द वेकेशन। वी का क्या होता है, आर सेल्स। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द स्टेयर्स, यू विल हर्ट योर सेल्फ। सो यू का क्या होगा, योर सेल्फ। थर्ड, दे सेट देमसेल्व्स अ डिफिकल्ट टारगेट, तो दे का क्या होता है, देमसेल्व्स। फोर्थ है, शी करेक्टेड हरसेल्फ इमीडिएटली, तो शी का क्या होता है, हरसेल्फ। नाउ द फिफ्थ इज, ही डिड, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ कर्टेन। सो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। सो इस तरीके से ये चैप्टर था। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।